अब दादा को क्या है, हम लोग दादा की रिस्पेक्ट बहुत करते थे एज ए कंपोजर थे ही, अब हम ही क्या पता पूरा इंडिया रिस्पेक्ट करता है, जो भी संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे हमारी लाइन में हो या बाहर हो। लेकिन क्या है कि पहले तो मुझे ऐसा मौका मिला नहीं, जब आया मैं तो मैं शुरू में तो ओपिनियन के साथ था, उसके बाद फिर मारुति राव से मेरा थोड़ा हुआ तो मारुति राव ने मुझे दादा के, क्योंकि वो खास थे वहाँ दादा के रिदम अरेंजर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया दादा के यहाँ। तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ जाने लगे तो दादा से अच्छा मुझे कोई लगता ही नहीं था उस टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब दादा से अच्छा कंपोजर जो अच्छा। हमको प्लेइंग में जो मजा दादा के साथ आता था। हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि दादा की एक आदत थी एक्स्ट्रा प्लेइंग भी उनको नहीं चाहिए। जिस अच्छा। घर जैसे लता जी गा रही हैं तो उनको डिस्टर्ब, लता जी की वॉइस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, इस टाइप का प्लेइंग चाहिए, इस टाइप का रिदम चाहिए, वो मारुति को पहले बता देते थे। और अगर मारुति ने रिहर्सल करा के रखा हो, मान लो हम 15 प्लेयर हैं और दादा आ गए, तो वो देखेंगे पहले इधर उधर जाते थे अपना, किसी से बातचीत तो करते नहीं थे ज़्यादा, इधर उधर जाके देखा, फिर मारुति को बोला मारुति इधर आओ, आए हमको कुछ भी चाहिए नहीं, वो एक ही चाहिए बस, ऐसी उनकी आदत थी। मतलब अगर ज़्यादा होंगे दो आदमी होंगे तो बोलेंगे, अगर उनको गाने में नीट नहीं है क्योंकि अलग करने की आदत थी ना, तो वो सबको बोले सबको बंद करो, मेरे को यही चाहिए बस। यही चाहिए मतलब क्या चाहिए? मतलब ये एक ही रिदम चाहिए, रिदम एक ही चाहिए, एक ही चाहिए या एक ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जहाँ 10 इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ दो ही चाहिए, मतलब ये उनकी आदत थी। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका क्या था, लता जी के वॉइस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये दादा की खास आदत थी। अच्छा, और फिर उनको जो अच्छा लगता था वही करते, उसको किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते थे, किसी से कंप्रोमाइज कोई नहीं, म्यूजिक में कंप्रोमाइज नहीं करते थे, म्यूजिक में किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे लता हो चाहे कोई भी हो, कोई भी। उसके बाद तो ऐसे मुझे मौका मिला, सगीना मातो करके पिक्चर थी दिलीप साहब की, सगीना मातो, हाँ, तो उसमें एक आशा जी का गाना था, डांस का गाना था, गाने के बोल मुझे उतना नहीं याद है लेकिन थोड़ा याद है, गजब करे बिंदिया ये थोड़ा याद बराबर। तो उसमें पहले सोलो था ढोलक का, क्योंकि अच्छा। गांव का गाना था तो सभी लोग अपना और भी ढोलक पर बजाए, तो मैं भी अपना बजाया, तो मुझे देख के वो रुक गए, तो मारुति को बोला ये लड़का जो बजा रहा है मेरे को ऐसा चाहिए। अच्छा, मेरे को ऐसा चाहिए, इसके हाथ में गाँव की फीलिंग है। अच्छा, ऐसे बोले? हाँ ऐसा बोले। हाँ हाँ, मारुति को, तो मारुति ने बोला अच्छा है, तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि दादा क्या मतलब सोलो बजाने को मिलेगा। तो वो को 8 बार 16 बार का था, 8 बार पहले ये बजाना फिर 8 बार ये बजाना, हाँ। तो 16 बार का सोलो था। अच्छा, ढोलक का? हाँ हाँ, तो सिर्फ ढोलक, वो सिर्फ आपने बजाया, वो सिर्फ मैंने बजाया, तो मेरा वो सोलो प्लेइंग। तो उसके बाद दादा खुश हुए, खुश हुए मतलब क्या, खुश होने का कोई ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ भी, उनके नेचर में ऐसा था, मैं बता दे नहीं। हाँ, बोले मारुति को बोला कि बोले खुद हमसे डायरेक्ट नहीं, मारुति मारुति से बोले बहुत अच्छा है ये चाहिए मेरे को, करके चले गए। तो वहाँ से फिर आए, फिर हम दादा के यहाँ, तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसको हमेशा रखना, तो रखना तो ठीक है। उसके बाद इनका कुछ आपस में डिस्प्यूट हुआ, तो क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा पंचम कहा जाता था, हाँ, तो इन लोगों का आपसी कुछ गड़बड़ हुआ, झगड़ा या जो भी कुछ हुआ होगा। किन किन का झगड़ा? मतलब पंचम, पंचम ग्रुप और दादा, ये कह सकते हैं पंचम और पंचम ग्रुप एक तरफ में दादा दादा का, उसमें क्या हुआ मुझे पता नहीं एक्चुअली, हाँ, लेकिन कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर माता जी थी, वो आने लगी रिकॉर्डिंग में, तो फर्स्ट टाइम उनको देखा मैंने, माता जी मतलब मीरा देवी, हाँ, उनका उनको फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, तो मैं भी चौंक गया, सभी लोग चौंके। और फिर देखते तो वहाँ कोई अरेंजर भी, वो अनिल अरुण आ गए। अच्छा, अरेंजर अनिल अरुण, हाँ, बराबर है उनको देख रहा हूँ मैं, बोला दादा की रिकॉर्डिंग है कि और किसी के, मेरे मन में ऐसा। अच्छा, रिकॉर्डिंग में जब आए तो हाँ, मतलब गलत तो नहीं आ गए? हाँ जी, कि तो फिर पता किया भाई दादा की रिकॉर्डिंग है वहाँ वॉचमैन से, कि उधर फिल्म सेंटर में की है फेमस है दादा, बोले नहीं है दादा की। तो देखा तो अरेंजर चेंज और पंचम का पूरा ग्रुप गायब, पूरा ग्रुप मतलब कोई नहीं बचा, कोई सिर्फ वो होम ये मारुति राव थे। अच्छा, मारुति राव, हाँ, तो मारुति राव तो मेरे बहुत खास थे, दोस्त भी थे, हाँ, प्लेयर भी अच्छे थे, आपस में हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने मुझे सब किस्सा बताया। क्या किस्सा बताया? ये कि मतलब सब इनका जो भी हुआ, अभी दादा नाराज हो गए, हाँ, और ये सब उनका
आपस में झगड़ा हो गया। नाराज क्यों हुए थे बताया आपको? वो नहीं बताया क्योंकि वो सीक्रेट मामला, हम लोग आपस में वो लोग बताते भी नहीं थे। उनका क्या आपसी था, हमारा तो एज ए प्लेयर था ना, हम क्या एज ए म्यूजिशियन ही जाते थे, एज ए म्यूजिशियन था। और ये आपको ये बताओ, ये सब इंटीमेसी उनसे होती जो सिटिंग प्लेयर होते, सिटिंग प्लेयर से मारुति राव थे उनके। अच्छा, और कोई था नहीं। पंचम ग्रुप पूरा था वो निकाल दिया। अच्छा, पंचम ग्रुप तब आया ना कि जबकि मतलब ये पंचम का चालू हुआ तीसरी मंजिल के बाद, जब उनका ग्रुप बना। हाँ। उसमें ये होमी, ये अमृता, ये सब जितने, अमृता एक्चुअली मारुति का सागिर था, मारुति का सागिर शागिर था, बराबर था। अच्छा, हाँ, इसलिए उसको भी लाए। एक देवीचंद करके था वो भी, मतलब बहुत से ऐसे थे जो मारुति के टच में थे, क्योंकि मेन मारुति राव थे, मेन मारुति राव, मेन मारुति राव। तो उसके बाद फिर वहाँ हम तो खैर दादा की रिकॉर्डिंग बजाते रहे, और हम पंचम के आगे काम, मेरे साथ कोई ऐसा पॉलिटिक्स ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं वहाँ से निकल गया। इस टाइप का था मतलब आर्टिस्ट दादा का, मतलब बातचीत किसी से उतना करते भी नहीं थे, क्योंकि पंचम तो जॉली टाइप था ना, उस हम लोग से हंसी मजाक सब कुछ, लेकिन दादा नहीं। पंचम आप लोग की उम्र का भी शायद? हाँ, उम्र का। हाँ, वो दादा आपसे बड़े, आपसे बड़े थे दादा, बहुत दादा तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, इसीलिए भी फर्क होगा। हाँ। और प्लस वो डायरेक्टली राजा खानदान से आए। हाँ, तो राइटर से भी मतलब ठीक है, गाना लिखाया अभी कितनी बार, क्योंकि जब मैं डीएस साहब के साथ काम करता था, जीएस कोहली का मैं चीफ असिस्टेंट था, तो मजरू साहब हमारे साथ भी काम करते थे, वहाँ भी काम करते थे, तो उनसे कुछ बातें मालूम पड़ती थी। तो मैंने पूछा, भाई क्या कहाँ से आ रहे हैं ऐसे? नहीं, दादा के साथ था, पंचम के साथ, क्या दादा के साथ एक पिक्चर थी। तो ये किसने बताया आपको? मजरू साहब। अच्छा, मजरू साहब, मजरू सुल्तान। हाँ जी, हाँ। तो मैं बोला, क्यों आप अभी वो नाश्ता मंगाए कुछ? तो नीर साहब ने पूछा, क्यों आपने खाना खाया नहीं दादा के साथ? नहीं, दादा पूछते नहीं, बोलते वो बोले तुम जाओ अभी हम खाना खाएगा। तो ये नेचर था उनका, किसी से मतलब ज़्यादा वो सब नहीं था, और सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और डरना मतलब समझ लो रिस्पेक्ट ही है, डरना क्या डरना। हाँ। क्योंकि हम लोग तो इंडस्ट्री में, हम इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है, हमको उतने पैसा दादा से भी मिलता है, उतने पंचम से भी, उतने शंकर जी से, किसी से भी, जो मंगाएगा। हाँ, जो हमारे पास क्या है, पूरे महीने की डेट आती थी, उसमें सिर्फ चॉइस मेरे यहाँ था कि मुझे कौन पसंद है वहाँ जाना है, ये मेरी चॉइस। अच्छा, ये चॉइस। हाँ, ये चॉइस थी। तो वो मैसेंजर आता है, उसको बोलते थे, उसने बोला भाई चार को आप खाली हैं? मैं बोला खाली नहीं है, किसकी डेट है? एस डी बोल, हाँ ठीक, नहीं ठीक, वो लिख लिया, दूसरे का निकाल दिया। अच्छा। मतलब ये जैसे मतलब एक लाइकिंग होती ना। तो इसमें अगर आपको एसडीबी की या आरडीबी की डेट मिले तो आप किसको पसंद करते थे? किसकी किसकी? दोनों बाप बेटे। आपको ये बताओ, पहले ऐसा रखते नहीं थे दादा के, क्योंकि सेम अरेंजर थे ना, सब सेम थे, इसलिए पंचम होगी दादा की, नहीं होगी दादा की होगी पंचम की। और दादा बहुत कम काम करते थे, दादा महीने में एक दो तीन रिकॉर्डिंग, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, उनके पंचम का तो डेली, उनका तो बहुत हो गया। दादा का पिक्चर कम था, दादा का तो देवान को बोल दिए थे अभी हम खाली नहीं है, देवान को बोल दिए थे तुम क्या बेकार पिक्चर बनाता है। अच्छा, बोला देवान? हाँ, ऐसा बोला। हाँ, देव अभी नहीं, आपको टाइम नहीं है। अच्छा, तो सब बहुत बात किए सब, दादा ऐसा है ऐसा, बोले नहीं अगले साल गाना करेगा। अच्छा, अगले साल गाना करेगा, तुम्हारे लिए अभी नहीं करेगा? अभी नहीं करेगा। तो बाद में देवान इसीलिए कहीं और गए होंगे? नहीं, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। तब तो वो दादा के और कोई चाहिए तो बहुत बार गए पंचम के पास। अच्छा, कहीं नहीं गए? कहीं नहीं, मतलब पिक्चर डिले किया? डिले किया, वेट किया। अच्छा। हाँ, तो जो दादा को चाहिए दादा ही चाहिए ना उसको। तो दादा का मतलब ऐसे था, दादा का ऐसा नेचर था, उनको अगर नहीं करना है या उनके पास टाइम नहीं, मतलब दो तीन पिक्चर आएंगे तो बहुत काम हो गया समझ लीजिए, फिर वो नहीं करते थे, वो कम्प्लीट करेंगे फिर दूसरे करेंगे। अच्छा, और देवान जैसे को भी ना बोलते? हाँ, कोई भी देवान, चाहे कोई भी देवान, तो देव बोलते हैं ऐसा, देवान तो बोले देव, तू बहुत खराब पिक्चर बनाया, ऐसा उनका आदत थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं गाना करेगा। अच्छा, बाद में आना। ऐसा कितने लोग, मैं आपको बता, बहुत से लोग वहाँ चक्कर काटते रहते थे, छः छः महीना, मतलब प्रोड्यूसर चक्कर काटते रहते दादा के पास में। नीचे के ऊपर भी कोई नहीं आता था, नीचे ही चक्कर काटते थे जेट के सामने बस। अच्छा, ऊपर नहीं आएंगे? नहीं, आने नहीं देते थे, मतलब दादा का मना था कि इनको मत भेजो, उनको टाइम नहीं, उनको हमारे पास टाइम। एक गाना आ गया तो सब लोग पता नहीं क्या करना हो गया, इतना ज्यादा म्यूजिक से इतना प्यार था उनको मेरा। कोई भी इसे बोलिए आप, कोई गाना ऐसा आप बताइए फ्लॉप एच डी बर्मन का,
कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं, कोई गाना नहीं, पिक्चर से मतलब नहीं हमको, मतलब म्यूजिक में बात कर रहे हैं, म्यूजिक की, हाँ म्यूजिक की बात कर रहे हैं। एक गाना आप बताइए कोई फ्लॉप गाना आप ढूंढिएगा। अच्छा, एक गाना भी फ्लॉप नहीं मिलेगा आपको। और दूसरे क्या है, जैसे आप लोग उस टाइप बोलते हैं ना, उस टाइप के वो कंपोजर थे, मतलब अगर उन्होंने क्लासिकल भी बनाया तो ऐसा बनाया कि क्लासिकल वालों ने तारीफ की, समझ गया हाँ, मेरी बात हाँ, समझ रहे हाँ, हाँ। क्लासिकल फील्ड वाले जो है हम लोग की फील्ड की तारीफ नहीं करते, लेकिन दादा ने ऐसे ऐसे गाने बनाए कि उनको भी उसकी तारीफ करना पड़ा। क्लासिकल वालों ने दादा के गानों की सराहना की, अगर क्लासिकल बनाया तो। और ये गाना तो दादा का था क्या, तेरी सूरत मेरी सूरत तेरी आंखें, हाँ ऐसा कुछ था पिक्चर का, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। हाँ वो आपको बताओ, वो एक टेक होके हुआ था गाना, वो एक ही टेक दादा ने गाया था। हाँ एक ही टेक में हुआ, एक ही टेक होके हुआ। आपने रिकॉर्ड किया उसको? नहीं हमने नहीं, हम थे क्योंकि उसने तबला बजाया। अच्छा आपने तबला बजाया उसमें? नहीं हम बजाए नहीं, मतलब रिकॉर्ड। अब ये भी बता दो, जैसे 10 आदमी बुक किया, 10 आदमी बुक किया, रिदम प्ले 10 आदमी, 4 ढोलक बुक किया, 2 तबला बुक किया दादा के लिए। हाँ वही तो बताया ना, दादा आके देखते थे इसमें। अब हम तो लगे हुए सब प्रैक्टिस कर रहे, रिहर्सल कर रहे। हाँ फिर दादा जब आते थे 11 बजे तो आते तो वहाँ देखते सुनते सब। और उसके बाद नहीं नहीं वो मारुति के बोला, मारुति मेरे कोई चाहिए नहीं, वो एक तबला चाहिए बस, मतलब 4 तबले थे, बाकी सब बैठा रहो, पेमेंट सब हम लोग सबको सबको बन, वो एक एक ही तबला चाहिए, बाकी 3 बैठे रहेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे, 10 हो गए तो भी, 10 हो गए तो बैठ। हाँ। अच्छा उस टाइम में एक ही तबला चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, उनको एक ही चाहिए, बाकी जितने भी म्यूजिशियन थे, बाकी आप समझ रहे हैं ना, मैसेज गया तो हम भी आएंगे। हाँ। जितने मैसेज 10 मान लो रिदम अरेंजर मारुति राव थे। हाँ। उनके दिमाग में हुआ कि भाई इसमें 2 तबला रखेंगे, 4 ढोलक रखेंगे, समझ गए ना मेरे? हाँ बराबर, तो वो तो उसी हिसाब से बुक करेंगे ना। हाँ तो वहाँ तो दादा कुछ बोलते नहीं थे, तो वहाँ कह लिया पंचम और मारुति राव मिलके अपना भीड़ लगा दिया 20 आदमी की। अच्छा अब फिर वो आएंगे, फिर उधर देखेंगे, उतरेंगे घूमते रहेंगे ऐसे चारों तरफ, ऐसा शॉल ओढ़ के आते थे, ऐसा एक शॉल लेके, शॉल लेके आते थे ऐसा, उधर से शुरू करेंगे ऐसा, देखते सबको देखते थे, सबको देखते थे, सबको देखा। हाँ सब देखो कुछ के बाद फिर वो मारुति को बुलाएंगे, मारुति राव को, मारुति सुनो तो उधर सिंगर रूम में ले जाके, सब सामने नहीं, नहीं सामने सामने किसी का आंसर नहीं होना चाहिए, कभी दादा सामने किसी को नहीं पूछते थे। वहाँ ले गए। हाँ तो बोले मारुति मेरे को इस गाने में कोई चाहिए नहीं, बताओ कितने आदमी बैठेंगे बेकार? बैठे 10 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठे हैं, बैठे कोई बात नहीं, तो पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमको मैसेज भेजा पेमेंट देना ही पड़ेगा, बुलाया तो पेमेंट देना। अच्छा वो हमारे एसोसिएशन का लॉ है ऐसा। हाँ तब तो एसोसिएशन था क्या? हाँ तभी था, एसोसिएशन तो 50% तो पूछो ना कैसे जो है उसमें, तो मैंने रैन बिताई। हाँ उसमें क्या क्या है? एक ही तबला, सिर्फ पूरे एक ही तबला है, एक तबला और कुछ नहीं है, बाकी तो अकॉम्पनीमेंट के लिए वो नहीं। अच्छा रिदम साइड, रिदम साइड में एक ही तबला, एक ही तबला है। अच्छा तो ये दादा की आदत थी। अभी अभी जैसे ज्वेल थीप का गाना हम लोगों ने किया था, उसमें बहुत रिदम था, उसमें कम से कम 30-40 रिदम था, ये जो होंठों पे ऐसी। हाँ, हाँ